नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। शुरुआत करते हैं खास खबर की। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र सतना पहुंचे हैं। वे खजुराहो एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से मेयर पहुंचकर उन्होंने माता शारदा के दर्शन पूजन किए। वे सतना में शबरी जयंती पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में हिस्सा लेकर वोट बैंक की बात की। मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा सांसद गणेश सिंह व विधायक मेहर नारायण त्रिपाठी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। बता दें कि विंध्य क्षेत्र के खिसकती बीजेपी की नैया को टटोलने व क्षेत्रीय जातीय संतुलन बनाए रखने, आदिवासी समुदाय के कुल समाज पर डोरा डालने का काम किया गया। शिव और शाह आज सतना के विंध्य में नाइट हॉल्ट भी करेंगे। समझा जाता है कि मध्य प्रदेश के विंध्य में सत्ता व संगठन के बीच खाई को दूर करने का भी काम किया जाएगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का गुलाब की कली देकर अभिनंदन कर की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत यहाँ केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय मंत्री अब हमारे बीच में मौजूद, कुल 506 करोड़ 99 लाख रुपए लागत के विकास कार्य, माननीय श्री रामलाल लोतेल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय कोल विकास प्राधिकरण, आदर के साथ आमंत्रित हैं। सियावर रामचंद्र की सबरी, और मुझे कहत्व गर्व है, अंतर आत्मा से यह आवाज निकलती है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने नया भारत गढ़ दिया है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित शाह जी का, वंदन कीजिए अमित शाह जी का, अभिनंदन कीजिए अमित शाह जी का। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कॉल महाकुंभ में ऐसी आवाज होगी? मोदी जी आज मेघालय में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाइए, फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के गरीबों के हितैषी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, और आज नजर भी न पहुंच सके इतनी दूर तक इस सबरी कुंभ में आए हुए, कोल महाकुंभ में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको प्रणाम, जोहार, नमस्कार। जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए एवं एक बेहतर कल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन आयोजित किया गया है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित विंध्य क्षेत्र से पूर्व नेता अजय सिंह राहुल व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। सीधे जिले के चारों विधानसभा में विकास यात्रा अंतिम दौर पर है। 20 दिवसीय विकास यात्रा का समापन शनिवार को होना है। सीधी में जहां आज विधायक केदारनाथ शुक्ला की अगुवाई में विकास यात्राएं की गई, वहीं दोहनी में कुंवर सिंह टेकाम, चुरहुट में शरदेंदु तिवारी और सिहावल में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू रामजीत सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को विकास यात्रा जारी रही। जगह जगह विकास कार्यों की भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण किए जा रहे हैं, जिसका कल विधिवत समापन होगा। जय आज के विकास यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान
परम पूज्य पिंगला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष और किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय राजमय साहू जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विनय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विभिन्न स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी। सीधी जिले में आज सीपीआई के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहकारियों ने नियमितीकरण सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर सीएम शिवराज के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और जिले भर में रैली निकाली गई। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश और विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook और WhatsApp से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारी वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए eNewsMP पर। धन्यवाद।